नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी सीखेंगे कि कैसे आप अपने गेहूं के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, यानी मध्य प्रदेश ई उपार्जन पोर्टल पर जाकर। यदि आपने पहले पंजीयन किया है तो उसी पंजीयन में किसान कोड का उपयोग करके आपको गेहूं नियरेस्ट पंजीयन केंद्र पर तुलवाने के लिए स्लॉट बुक करना होता है। तो आज के वीडियो में आप स्लॉट बुक करना सीखेंगे, बड़ी आसान सी स्टेप्स है। आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। आप सभी को अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है, यानी गूगल में ही आपको सर्च करना है एमपी उपार्जन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ई उपार्जन NIC.in, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका इंटरफेस वेबसाइट का कुछ इस तरह से होना चाहिए। किसान स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है साइड में, आप देख पा रहे हैं जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। न्यू इस पर लिखा भी है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना जिला चयन करेंगे जिस जिले में आपको बेचना है, और उसकी तहसील बाद में आपको दिखेगी। आप अपने अनुसार कोई भी जिला चयन कर सकते हैं। किसान कोड आप अपने पंजीयन जो आपकी पावती है उस पर लिखा है, और कैप्चा कोड आप जो लिखा है वही इंटर कर देंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जा चुकी होगी, वही ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई होने के बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको तहसील चुनने का ऑप्शन है उस ज़िले की। तो जो तहसील आपको सही लगे जहाँ पर आपको सेल करना है उस पर क्लिक करेंगे, और डेट का ऑप्शन आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार डेट्स को बदल भी सकते हैं। जिस डेट पर भी आप क्लिक करेंगे उस तहसील के जितने भी आपके सेंटर्स हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ पर ग्रीन का मतलब है कि वहाँ पर अभी क्षमताएँ हैं, रेड का मतलब बिल्कुल क्षमताएँ ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से इनको हाईलाइट किया हुआ है। आपको जो भी सेंटर पसंद हो जहाँ पर आपको सेल करना है अपने गेहूँ को, उस पर आपको क्लिक करना है, और आपको देखना है कि रिक्त क्षमता जो है आपकी बेचने की क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना आप स्लॉट बुक नहीं कर पाएंगे। यानी क्षमता अधिक होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 22,211 क्विंटल की क्षमता है। हम इतना यदि हमारे पास गेहूँ है तो हम बेच सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको समय दिख जाएगा 8 से 12 और 1 से 6 बजे तक का। जो भी आपको समय ठीक लगे उस पर आपको सुरक्षित करना है। जो भी डेट आपने ली है 12, 13, 15, जो भी डेट आपने ली है उसके बाद से आप 7 दिन तक आपका जो है स्लॉट बुकिंग का ये पंजीयन वैलिड रहेगा। इसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने बाद में इसको आपको प्रिंट करना है 2 प्रतियों में। इसके साथ आपको पावती, समग्र आईडी, आधार नंबर सब लेकर जाना है। प्रिंट करने पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप इसको कस्टमर को दे सकते हैं। याद रहे जो भी डेट आपने पंजीयन की दिनांक की चुनी है स्लॉट बुक के, उसके 7 दिन तक ये वैलिड रहेगा।